कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं गुरुदेव के चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने बीच में IRS जो GST कमिश्नर है अभी अहमदाबाद में, आदेश जी जैन यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न प्रथम प्रश्न आज यहां पर रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सोमेश जी बांजल जो जनरल मैनेजर हैं NHAI। आप देख रहे हैं जो गाड़ी है। नमस्ते गुरुवर। एक सामान्य सा प्रश्न बच्चे बार बार पूछते हैं कि जो हमारे सलाखा पुरुष हैं चक्रवर्ती हैं वो सब उस तत्व मोक्षगामी हैं, उसमें से चक्रवर्ती हमारे रामचंद्र जी भगवान तत्व मोक्षगामी थे। उन्होंने ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसा भी की, युद्ध भी लड़े अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, क्या ये राग भाव उसी भव में कैसे निर्जरा हो जाती है इनकी? बुंदेलखंड में कहावत आपने सुनी होगी, जे कम में सुरा ते धम में सुरा, है ना? अगर इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को आप पलटोगे तो पाओगे कि इन्होंने जितना राग भाव अपनाया, जब बैराग जगा तो उधर कभी मुड़ के नहीं देख। ये तो जीवन की वास्तविकता है। राग और वैराग का पूरा खेल हमको देखने को मिलता है। महापुरुषों की यही लीला है। पुण्य के निमित्त से वैभव की प्राप्ति होती है और उस पुण्य वैभव को भोगते हुए राग भाव की अभिव्यक्ति भी होती है। लेकिन जब अंतरंग में वैराग उत्पन्न होता है, ये सब निस्सार प्रतीत होते हैं और वे उन सब को जीर्ण शीर्ण तृण के समान छोड़ देते हैं। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मोक्षलांचनम साम्राज्यम सार्वभौम ते जरत तृण मिवा भवे। मैंने एकदम तिनका भी झाड़ू बनाने के काम में आ जाता है, लेकिन जीर्ण शीर्ण तिनका तो उसके लायक भी नहीं। तो ये सोच इस कारण से उनने कर्म बांधा, लेकिन कर्म को काट भी दिया। एक बात ध्यान रखना, अज्ञान के द्वारा बांधे हुए अनंत जन्मों के कर्म को ज्ञान मूलक साधना से एक पल में नष्ट किया जा सकता। उनकी अंतश्चेतना जागी और उन्होंने पल भर में अपने जीवन का काया पलट कर लिया। हमें भी वही दृष्टि अपनाना, जो बीत गया उसे भूलो, जो बचा है उसे संभालो। बंधुओं सोमेश जी बाजल कटनी से अपने बीच में जो जनरल मैनेजर है, अब इंदौर ही पोस्टेड, अब इंदौर में ही है। और आप देख रहे हैं एक लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी सायरन करते हुए आगे आगे चलती। इससे केवल मात्र जिन धर्म की प्रभावना ही नहीं, अभी तो जो गुरुदेव चल रहे हैं उन गुरुदेव का भी संरक्षण होता है। और इसके साथ में निर्बाध विहार हर गली हर रोड पर चलता रहता है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज जी चरणों में रखें। उसके बाद में गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुनील जी सुधीर जी बिलाल अपने बीच में प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में मैं सब परिवार तिरवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। यह हमारे इंदौर का असम सौभाग्य है कि गुरुदेव के चरण इंदौर में चतुर्मास के लिए पड़ रहे हैं। मैं इंदौर की समस्त जमात की ओर से आपका इंदौर की इस चतुर्सीमा में हम सब पूरा वंदन करते अभिनंदन करते हैं और हम लोग सब अभिभूत हैं कि आपके चरण हम इंदौर में पड़े और 4 महीने तक इस वर्षा काल में हम सब का आपकी अमृत वाणी का आपके आशीर्वाद की वर्षा हम सभी पर होगी, ऐसा हम लोग का सौभाग्य है। इस सौभाग्य के लिए हम लोग अहोभाग्य हम लोग के अहोभाग्य गुरुदेव। गुरुदेव मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग धर्म भी करते हैं कर्म भी करते हैं और परिवार भी चलाते हैं, तीनों के बीच में हम लोग गुरुदेव कैसे हम लोग सामंजस्य करें,
कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हम सबकी चल सके, इसमें गुरुदेव मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों अधिकारियों का अभिनंदन करें। ये लोग एक अधिकारी बाद में एक श्रावक पहले। सोमेश जी तो जब हमारा सम्मेलन शिखर के लिए बिहार हुआ था तब से जब भी बिहार का काल आता है इनके लोग फोन खोर कर करके पूछवाते कि महाराज का किधर बिहार हो रहा है, हमें पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध करना है। और निरंतर कटनी चातुर्मास के बाद से हमारे प्रत्येक बिहार में इनके विभाग की सेवाएं सुलभ हुई है जो आज तक चल रही है, ये इनके कारण। आपने कहा हम धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, इनमें सामंजस्य कैसे बनाए? देखिए सबसे पहला काम, परिवार चलाना आपका दायित्व है, कर्म करना आपकी जरूरत है, और धर्म करना आपके जीवन का मूल ध्येय। धर्म को जीवन का ध्येय मानो, जरूरत के अनुरूप कर्म करो, और परिवार के संचालन को दायित्व मानकर उसे दृढ़ता से निभाओ। लेकिन दायित्व पालो, दायित्व को ओढ़ो मत। अगर आप दायित्व पालोगे तो बहुत जल्दी आगे का रास्ता खुल जाएगा। इसी तरह कर्म जब तक जरूरत है तब तक करो, लेकिन कर्म भी सत्कर्म हो, खट कर्म नहीं। जरूरत के लिए कर्म जरूरी है, बिना कर्म किए आप अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जितनी जरूरत उतनी करो, और जब भी करो कर्म हो सत्कर्म हो खट कर्म नहीं। और जब ये दोनों काम पूरा हो जाए तो धर्म तो हमारा मूलभूत ध्येय है, ये अपने साथ बनाए रखो। और जब तक इनमें जुड़े हो कर्म और परिवार में, उसे अपना अल्पकालिक धर्म मान करके चलो, जीवन आगे बढ़े। नमस्ते गुरुदेव। प्रांतीय अध्यक्ष बुणाईतन सुनील जी, सुधीर जी बिलाला अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में आज अपने बीच में साथ में अर्पित, और साथ में अर्पित जी पाटोदी कर्म कार्यकर्ता भी हैं, और महाराज श्री दिव्य अनन्य भट्ट वे अपना प्रश्न रखते हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। हुकुम चंद जी सांवला यहाँ पर उपस्थित है, वे अब तैयार हैं। नमस्ते गुरुदेव। पूरे देश में 20-21 तारीख में कलश स्थापना होना है, तो मेरा जिज्ञासा है कि कलश स्थापना से श्रावक को तो पुण्य मिलता ही है, पर आगम के अनुसार इसका क्या महत्व है, और इसमें महाराज लोगों का भी कुछ क्या फायदा रहता है, क्या पुण्य मिलता है? अच्छा सवाल किया। देखो कलश स्थापना की जो परंपरा है ये मूलतः श्रावकों की, साधुओं का चातुर्मास स्थापना, उनके पास कलश कहाँ जो वो कलश स्थापित करें। जंगलों में साधु जन रहते हैं, और साधु जन तो जंगलों में रहते थे तो बस अपना एक संकल्प लिया, उनकी स्थापना हो गई। और आज भी हम लोग जो स्थापना करते हैं उसमें हमारा कोई कलश नहीं होता, हम लोग तो अपने संकल्पों से बंधते हैं हमारी स्थापना होगी। हमें याद है शुरुआत में गुरुदेव के यहाँ भी कलश स्थापना नहीं होती थी। 1985 या 86 के चातुर्मास में मैंने पहली बार एक कलश रखते देखा। वहाँ बहुत सारे विद्वान लोग थे, सब थे, बोले महाराज आप चातुर्मास कर रहे हो तो एक मंगल बना रहे और हम श्रावक भी इससे जुड़े रहे, इसलिए कलश रखे। चूंकि अब चातुर्मास एक साधना का अनुष्ठान मात्र नहीं रह गया, अपितु एक प्रभावना का उत्सव बन गया। जहाँ भी साधुओं का चातुर्मास होता है वहाँ 4 मास तक एक अलग प्रकार का उत्सव चलता रहता है, अनेक मांगलिक कार्यक्रम भी होते हैं।
तो ये सारे कार्यक्रम निर्बाध चले, इसमें कोई विघ्न बाधा ना है। इसलिए आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कलश रखना शुरू कर दिया। फिर इसमें एक बात जुड़ी कि कलश रखने का मतलब उस पूरे चातुर्मास के संपादन का भी श्रेय मेरे द्वारा हो। जो कलश रख रहा है वो पूरा चातुर्मास संपन्न कराने का श्रेय प्राप्त कर रहा है। ये चातुर्मास कलश स्थापना का मूल थे। अब धीरे 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 चूंकि धर्म की प्रभावना और साधु संतों से लोगों का जुड़ाव बहुत बढ़ गया, इसलिए अब फिर कलशों में भागीदारी बढ़ने लगी, कलशों की संख्याएं भी बढ़ने लगी, और फिर धीरे धीरे उसके निमित्त से लोग दान भी करने लगे, द्रव्य भी इकट्ठा होने लगा। तो अब चातुर्मास कलशों का स्वरूप थोड़ा कुछ और बन गया। कलश स्थापना करना बुरा नहीं है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आप करते हैं तो कलश स्थापित करते हैं, लेकिन कलश स्थापना से चातुर्मास नहीं होता। कलश स्थापना से श्रावक समुदाय संकल्पित होता है, समर्पित होता है कि हम इस चातुर्मास की साधना को प्रभावना का उत्सव बनाने में अपना योगदान दें। समझ गए? तो उसमें जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसका जो पुण्योपार्जन होता है उस पुण्य का एक अंश आप लोगों के खाते आता है, और एक अंश नहीं बड़ा अंश आप लोगों के खाते आता है। इसलिए जहाँ कहीं भी चातुर्मास आदि होते हैं लोग किसी न किसी रूप में अपनी सहभागिता देते हैं और देना भी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकुम चंद जी सांवला अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आप लोग वे प्रश्न भी कर रहे हैं और अपनी बात संक्षेप में गुरुचरणों में। अभी बात नहीं रखेंगे, प्रश्न करेंगे। हाँ, केवल प्रश्न अभी कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हसमुख जी गांधी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुरुवर द्वय की, मेरा निवेदन यह है महाराज जी। हाँ बोलो। मेरा निवेदन यह है महाराज जी, आज जब भारत भ्रमण में जब जाता हूँ तो मैं स्थान स्थान पर दिव्य भव्य जैन मंदिरों के निर्माण को देखता हूँ, देखकर बहुत आनंद का अनुभव होता है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे सामने प्रश्न यह है कि ये जो मंदिर बन रहे हैं इनका सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा? कल इनके सुरक्षा का विषय आकर हमारे सामने खड़ा होता है। जैन समाज वीरोपासक है, तो वो वीरता वाले नवयुवक कहाँ हैं हमारे पास? उनको मार्गदर्शन कौन करेगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चातुर्मास में ही आपके माध्यम से कुछ इस प्रकार का विषय निकल करके आए कि ताकि जैन समाज के युवक इसके रक्षा का उत्तरदायित्व ले, या और कोई विधा हमारे सामने हो सकती है तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हुकुम चंद जी सावला साहब का। आपने जो बात कही है बहुत सामयिक और प्रासंगिक है। धर्मायतनों का निर्माण जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा उसकी सुरक्षा भी। आपने कहा धर्मायतनों की रक्षा के लिए हमें वीर युवकों की जरूरत है। मेरा मानना है धर्मायतन की रक्षा कोई योद्धा नहीं कर सकता, धर्मायतनों की रक्षा केवल धर्मी कर सकता है। हमें वीर युवकों की जरूरत नहीं, हमें श्रेष्ठ धर्मियों की जरूरत है। अगर धर्मी रहेंगे तभी धर्म रहेगा और तभी धर्मायतन रहेगा। इसलिए मैं तो इस बार मन बनाया हुआ हूँ
आपने आज ही छेड़ दिया। सोचा था चातुर्मास में इस बात को रखूंगा, लेकिन जब आ ही गया है तो कही देता। अब हमें केवल और केवल एक काम करना चाहिए। पहले हमने धर्म बचाओ की बात की थी, अब धर्म बढ़ाओ, जैन बचाओ। हमें धर्मी बनाने का लक्ष्य रखना है, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ। हम लोगों के अंदर जैन धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न करें। हम मंदिरों का निर्माण जिस गति से कर रहे हैं, उसी गति से जैनियों का निर्माण करना शुरू करें। जैन बढ़ाने के दो ही उपाय हैं, एक तो तुम्हारे पास है क्योंकि फैक्ट्री तुम्हारे पास है, और दूसरा हम लोगों के पास है। आप संतति बढ़ा करके जैन बढ़ाइए, और हम संस्कृति बढ़ा करके जैन बनाइए। इस पर हमारी गुरुदेव से भी चर्चा हुई थी जब मैं नेमावर में उनसे मिला था। उनका बहुत अच्छे सूत्र हमें मिले, मार्गदर्शन मिला। मैंने इस बार मन बनाया और इस दिशा में हमें कॉन्क्रीट काम करना चाहिए। लोगों को अपने साथ जोड़कर जैन धर्म को जन धर्म का स्वरूप देने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग भी जैन विचारों से प्रभावित हों, प्रेरित हों, हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उनको अपने साथ जोड़कर इस तरह तैयार करना चाहिए कि हमारे किसी धर्मायतन पर कोई उंगली उठाए तो सबसे पहले वे सामने आए और हमारा झंडा उठाए, उनसे लहराए। मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूँ कि हमारे कुछ उत्साही युवा अल्पकालिक क्षणिक उन्माद से ग्रसित हो और लठ लेकर कहीं लड़ने खड़ा हो जाए। इससे हमारे धर्मायतनों की सुरक्षा नहीं अपितु और अधिक खतरा होगा। हम सख्ती से धर्मायतन को नहीं बचा सकते, ये भ्रम तोड़ देना, क्योंकि तुम लोग बनिया हो, एक बार इकट्ठे हो गए और फिर महीनों गोल हो जाओगे, और ये तुम लेकर जाओगे तुमसे ज्यादा दूसरे आके खड़े हो जाएंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तीर्थंकरों के उपदेश को जन जन के हृदय में उतार देने की। अपने हृदय में सांप्रदायिक कट्टरता लाने की जगह सामाजिक समरसता का औदार्य विकसित करो, जिससे लोग जुड़े और हमारे स्वर में अपना स्वर मिलाने को बाध्य हो जाए। तब हम इन सारी समस्याओं का दीर्घकालिक अपितु स्थायी समाधान पा सकेंगे। आपने बात छेड़ी और आप तो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय, बैठ करके बात करेंगे। हमें भारतीय संस्कृति को बचाना है और राष्ट्र को आगे ले जाना है। हमें जो सूत्र गुरुदेव से मिले हैं उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने की योजना। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हंसमुर्ति गांधी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने भी यहाँ पर। आज डबल चोटी जहाँ प्रातःकाल की पूरी आहार की वैयावृत्ति पूरी उन्होंने लाभ लिया, वहाँ के अध्यक्ष मंत्री सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी कमेटी एक साथ खड़े हो जाएगी। कल उनको अवसर नहीं प्राप्त हुआ, अभी नव निर्वाचित कमेटी है ये, और वो उनमें से संदीप जी टोंगे अपना प्रश्न रख देंगे। नमस्ते गुरुवर, बोलो। एक तो इसी प्रश्न के आगे, जितने हमारे तीर्थ नवीन बन रहे हैं या पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक भी जैन परिवार नहीं है। करीब 80% तीर्थ ऐसे होंगे जो जंगलों में होंगे, ऐसी जगह पे जहाँ एक भी जैन परिवार नहीं है। तो इसी के आगे की बात जो आपने भी कही है, उसमें जैसा भी समाधान हो वैसा नमोस्तु करते निवेदन। दूसरा जो मेरा मूल प्रश्न है, हमें वर्तमान में जीना चाहिए ऐसा नीति कहती है, धर्म भी कहता है, लेकिन ये हमारा भूत एकदम हावी हो जाता है उस पर और भविष्य की चिंता भी आ जाती है। तो वर्तमान में जीने का कोई बहुत अच्छा नुस्खा दे दें। बहुत सुंदर। देखिए, जो बात आपने की है हंसमुख जी, बहुत ही अच्छी बात है।
और हम सबको ओम, हम सबको मिल बैठकर इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। और अब तो आप लोगों के बीच जा ही रहा हूँ, मुझे लगता है इस बार इंदौर की धरा से कुछ अद्भुत होगा। जय हो, जय हो, जय हो। अभी से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जो हमारी संस्कृति को सुदीर्घ काल तक पुष्ट करते रहे। आप सबके पुण्य से जो होना होगा होगा, मैं तो अपने आप को केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। आपने जो सवाल किया कि भूत की स्मृतियों से मुक्त होकर और भविष्य की कल्पनाओं से बचकर वर्तमान में जीने का अभ्यास कैसे करें, उसके लिए दो बातें अपनानी। अतीत को भूलने का अभ्यास करें। अतीत को भूलने में दो बात अपनाना है। हमारे साथ जो अतीत की स्मृतियां होती है वो दो तरह की होती है, एक तो दुर्घटना मूलक और दूसरी दुर्व्यवहार मूलक। कोई दुर्घटना घट गई वो हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होती है, उसके कारण कोई बड़ा नुकसान हो गया जिसे हम भूल नहीं पाते। अगर कोई भी दुर्घटना है उसे महज कर्म संयोग मानकर स्वीकार करे, पहली बात, ठीक है होना था हो गया, कर्म का योग था, स्वीकार करे। और कोई ने दुर्व्यवहार किया तो उसे क्षमा करना शुरू कर दे। स्वीकार भाव और क्षमा भाव आ गया तो भूत आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और जिनके हृदय में स्वीकार भाव ना हो और जिनके मन में क्षमा ना हो, भूत उनके सिर पर नाचता रहता है। और जिसके सिर पर भूत नाचेगा उसका हाल तो बेहाल होना ही। तो भूत को भूलने के लिए दो बातें, स्वीकार भाव और क्षमा भाव। और भविष्य के कल्पनाओं से बचने के लिए एक संकल्प, वो है वर्तमान को सार्थक करने का, और कुछ नहीं करना। मुझे वर्तमान को सार्थक करना है, बस इतना संकल्प मन में आ जाए, और जब हम वर्तमान को सार्थक करना शुरू करेंगे भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते, नमस्ते। डबल चोटी, एक चोटी नहीं दो दो चोटी है, डबल चोटी कमेटी पूरी प्रश्न कर रही है, एक और उसके बाद में तैयार रहेंगे। मुकेश रश्मि सिंह मंदसौर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी है और प्रमाणित समूह से भी जुड़े हुए हैं। नमस्ते हाँ। गुरुदेव, गुरुदेव राग द्वेष के इस भेष में, ओम धीरे से बोलो, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव राग द्वेष के इस भेष में खुद को विशेष मानकर भ्रमित हो रहे हैं, इस भ्रम को दूर करते हुए अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करें कि हमारे अवशेष भी विशेष हो जाए। देखो सवाल तो बड़ा साहित्यिक लहजे में प्रकट किया, पर भ्रम को दूर करना है तो कुछ मत करो, यथार्थ को जान लो। यथार्थ को जानते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है। हम लोगों के जीवन की विडंबना यह है कि हम पूरी जिंदगी इस यथार्थ को झुठलाने की कोशिश करते हैं। हम झूठ को सच मानते हैं और सच को झुठलाने में अपना समय बर्बाद करते हैं। हम सच और झूठ के भेद को पहचाने, इसी का नाम भेद विज्ञान है। जिस दिन ये उद्घाटित होगा सारा रास्ता अपने आप बदल जाएगा। मुकेश रश्मि सिंह मंदसौर अपना प्रश्न रख रहे हैं जो गुणायतन की ट्रस्टी और प्रमाणित समूह से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में पीछे माइक दीजिए। गिन्नी गोल्ड ग्रुप से आज यहाँ पर गजेंद्र जी उपस्थित हैं और उनके साथ में प्रश्न करेंगे ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, पंच बाल्यती संस्कार पत्रिका के संपादक इंदौर। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव,
ओम जो शब्द है वो हमारी संस्कृति में काफी महत्वपूर्ण है और उसे अनहद शब्द भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों महाराज जी? ओम को अनहद नाद कहते हैं, इसे अजपा जप भी बोलते हैं। ओंकार एक ऐसा नाद है जो सीधे हमारी नाभि से उत्पन्न होता है और उससे एक ध्वनि टकराई जिसे पराध्वनि कहते हैं, समझ गए? दंत तालु और ओष्ठ के प्रयोग के बिना, जिह्वा के प्रयोग के बिना सीधे ओम का नाद होता है, इसलिए इसे अनहद नाद। साथ में प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे 3-4 MBBS के बच्चे बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। अभी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की एवं आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी की समाधि हुई, तो उनकी समाधि के बाद एक उसमें पोस्ट आई थी कि सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता आचार्य जी के साथ तो है ही, क्योंकि आचार्य जी ने सर्वाधिक दीक्षाएं दी हैं, 131 मुनिराज, 172 आरिका माता जी, 61 एलक जी, 141 छुल्लक जी और 3 छुल्लिका माता जी, 508 दीक्षाएं दी हैं, जबकि आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी ने 350 दीक्षाएं का उल्लेख मिलता है। और वैसे हमने देखा श्वेतांबर संप्रदाय या दिगंबर संप्रदाय में इससे ज़्यादा दीक्षा देने वाले आचार्य श्री ने जो 508 दीक्षाएं दी हैं, इससे ज़्यादा दीक्षा देने में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमारा प्रश्न यह है कि इसका रिकॉर्ड क्या कोई तोड़ सकता है, और इसके संबंध में आप मार्गदर्शन करें। देखो, आचार्य महाराज ने दीक्षाएं दी और उनके द्वारा प्रदत्त दीक्षा एक रिकॉर्ड बन गया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये बात मानकर चलना, गुरुदेव ने रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। अगर रिकॉर्ड ही बनाना होता तो तुम जैसे हजारों भाई बहन अभी लाइन में नहीं लगे हो, वहाँ तो वर्षों वर्षों प्रतीक्षा के बाद भी नंबर नहीं लगता। और आरिका दीक्षाओं का योग तो ऐसा हुआ कि 2006 के बाद 18 साल से दीक्षा ही नहीं। मुनि दीक्षा भी उन्होंने बहुत रुक रुक के दी, हमारी दीक्षा के 9 साल बाद मुनि दीक्षा हुई, 9 साल तक कोई दीक्षा नहीं हुई, तो ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। अब रहा सवाल, क्या ये रिकॉर्ड और भी कोई बना सकता है? हम तो चाहते हैं ऐसा रिकॉर्ड बने जिन शासन की प्रभावना हो, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई करेगा तो रिकॉर्ड बिगड़ेगा, क्योंकि मुनित्व कोई साधारण बात नहीं। अगर बढ़े और इससे भी आगे बढ़े तो इससे खुशी की बात नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण दीक्षाएं, संख्या बढ़ाने के लिए अगर कोई सोच ले तो मेरे जैसा सोच ले कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है और पकड़ पकड़ करके दीक्षा देने लगे तो रिकॉर्ड बनाना तो बहुत सरल है। हमने सुना है गावस्कर के टाइम में मैच बहुत कम होते थे तो रिकॉर्ड बहुत धीरे बनते थे, सचिन के ज़माने में वनडे वगैरह ज़्यादा होने लगे, मैच ज़्यादा होने लगे तो उनका रिकॉर्ड और जल्दी बन गया, और अब कोहली और दूसरे आ गए तब तो और ज़्यादा हो गए। तो चीज़ें ऐसे ही बनती है और बदलती है। ये सब चीज़ें चूँकि आप लोग तो आंकड़े छापते रहते हो इसलिए रिकॉर्ड पकड़ रहे हो। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गुरुदेव ने कितनी दीक्षाएं दी, आपके पास है, अगर मुझसे कोई पूछ लेगा ना शंका समाधान में तो मैं यही कहूँगा कि संस्कार सागर में खोल के देख लो, उत्तर तो दूंगा, बिना उत्तर के तो रहूँगा नहीं, पर कहूँगा संस्कार सागर में छपता वहाँ देख लो। लेकिन कहने का तात्पर्य कुल ये है कि ये सब चीज़ें सहज होती। और गुरुदेव ने एक वाक्य कहा,
मैंने अपने जीवन में कभी कर्तृत्व को नहीं अपनाया, सारा जीवन केवल कर्तव्य की भावना से पूरा किया। गुरुदेव के हृदय में कर्तव्य का भाव और कर्तृत्व शून्यता किस स्तर की थी, एक प्रसंग याद आ रहा है, सुनाने का मन हो रहा है। गुरुदेव कुंडलपुर में विराजमान थे। 2001 में जब कुंडलपुर का महामहोत्सव हुआ था, और उस समय मेरी वहाँ केंद्रीय भूमिका थी। एक रोज गुरुदेव बिल्कुल शांत कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बैठे थे अनन्य मनस्क होकर। मैं पहुंचा थोड़े देर से, शाम को हम लोग बैठते थे, बातचीत छेड़ने के क्रम में मैंने कहा, वो बार बार ये कह रहे थे प्रशांत वना प्रशांत आय मनांत वास्त्रता। बोले गुरुदेव आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई ऐसा लगता है। बोले क्यों? बोले ले देख के आधा घंटे का समय हम लोगों को आपका मिलता है और आज आप बिल्कुल अंतर्मुख हो, और कब अब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, कब घंटी बजा दो हम लोग बिहार हो जाए पता नहीं, हम लोग कुछ चाहिए। बातचीत सामान्य हुई और मैंने एक सवाल किया कि गुरुदेव, दो सवाल किया था उनसे उसी दिन। पहला सवाल मैंने ये किया कि ज्ञान सागर जी महाराज की जिस दिन समाधि हुई उस दिन आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया, मुझे पूरे अंक मिल गए, और एक लंबे अंतराल के बाद खुले आसमान के नीचे मैंने अपना पाटा लगा करके विश्राम किया था और अच्छे से पूरी रात सोए। क्योंकि ज्ञान सागर जी की सेवा में वो निरत रहते थे, उन्हें साइटिका का दर्द रहता था तो वो अंदर रहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पहली एक लंबे अंतराल के बाद खुले आसमान के नीचे, 30 जून का टाइम था, गर्मी थी, 30 मई मैंने उनसे पूछा आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं अपने कर्तव्य पालन में खरा उतरा। और उन्होंने एक गाथा का अंश बोला, प्रमाण सागर जी निगंथ लिंगो निराव वेखो। निर्गंथ लिंग निरापेक्ष होता है, वहाँ किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। तब मुझे समझ में आया कि इनके हृदय में अध्यात्म की कितनी गहराई है, ज्ञान सागर जी के प्रति भक्ति उनकी कितनी थी, ये हम सबको कहने की जरूरत नहीं, रोम रोम में समाए। लेकिन उसके बावजूद वे अध्यात्मनिष्ठ थे, कर्तव्य से जुड़े थे। दूसरी बात, उसी चर्चा के क्रम में मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन काल में भी उनके कुछ शिष्य आचार्य बन गए थे, आपका पूरा संघ आज भी बंधा हुआ है, आपका कितना बड़ा प्रताप है। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन काल में भी उनके कुछ शिष्य आचार्य बन गए थे, आपका पूरा संघ आज भी बंधा हुआ है, आपका कितना बड़ा प्रताप है। उन्होंने छट से कहा, मैं कौन होता हूँ बांधने वाला, जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन मानना बंद कर दोगे सब छूट जाओगे। ये है कर्तव्य दृष्टि, मैं करता नहीं हूँ। और जो ऐसे उत्कृष्ट भाव को लेकर चलते हैं वही कुछ कर पाते हैं। अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं, उससे पहले अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी यहाँ पर उपस्थित, जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। पूज्य महाराज, कल की आहारचर्या की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। कल आज के रात्रि विश्राम यहीं पर संपन्न होगा और कल प्रातः काल की वेला में परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग विहार होगा और कल की आहारचर्या जिनके प्रतिष्ठान में संपन्न होगी, MASC हमारे हंसमुख जी गांधी कोल्ड रेंज स्टोर्स, वहाँ पर कल की आहारचर्या संपन्न होगी। मैं चाहूँगा श्रीपल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनकी एक भावना और थी, लेकिन
मैं आपसे कहना चाहूंगा ओम। हाँ देखिए, एक विशेष बात मुझे और कहनी, आपकी बात हो गई, जल्दी से बोलिए। और कल सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हमारे अजय कश्मीरा जी जेएमबी परिवार जो कि पश्चिम संपद वेली अंबा मौलिया गांव बिचोली इंदौर में निवास करते वहां पर चैत्यालय है, कल की शंका समाधान का कार्यक्रम वहीं। अगर कोई निमित्त उल्टा हो जाए तो इसमें संशोधन भी हो सकता है, अगर संशोधन होगा तो विभिन्न माध्यमों से आप लोगों को बता दिया जाए। कल के आहार के बाद ही वास्तविक रूप में सब बातें पता लगेगी मौसम देख के, ठीक है। इसलिए कभी कभी बिल्ली के भाग से सीका भी टूटता है, इसलिए अभी कुछ कहो नहीं, अभी ठीक है। अभी तक की सूचना के अनुसार कल की आहारचर्या तो हसमुख जी के यहाँ है ही और शंका समाधान JBM परिवार में है और परसों की आहारचर्या है, ये निर्धारित कार्यक्रम है। यदि किसी वजह से कोई संशोधन हुआ तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। आगे प्रश्न आए उससे पहले आज एक बड़ा जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का समाचार है। हमारे जैन जगत के एक महान विभूति वैद्यराज सुशील जी, आरोग्य भारती जयपुर के संचालक, आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज अपना देह परिवर्तन शुभ परिणामों के साथ किया। वे एक अच्छे चिकित्सक तो थे ही, एक श्रेष्ठ साधक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में साधु संतों की जो वैयावृत्ति की है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आम जनों की भी उन्होंने जिस तरह की चिकित्सा की वो अपने आप में अद्भुत थी, उसे किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता। मैं तो एक ही वाक्य में कहना चाहूँगा कि वे हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति थी। लगभग 95 साल की उम्र उनकी रही और वे हमेशा बहुत तत्परता से जुड़े रहे। पूरे जीवन पूर्ण जागरूकता और तत्परता के साथ उन्होंने अपना धर्म ध्यान भी किया। आज वो यहाँ नहीं है, आना जाना तो सबका लगा है, लेकिन अब उनके बाद जो आरोग्य भारती रह गया है उनकी बेटी कलाजी काशलीवाल के कंधों पर उसके पूरे संचालन का दायित्व है। और एक बेटी होकर के भी उन्होंने अपने पिता के हुनर को पूरी तरह आत्मसात किया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वे अपने पिता की इस धरोहर को, इस विरासत को आगे बढ़ाएगी। और इस घड़ी में मैं पूरे उनके परिवार और उनके सारे परिजनों के साथ उनके प्रशंसकों को भी यही आशीर्वाद देना चाहूँगा, इस घड़ी में धैर्य रखे और इसे प्रकृति का एक विधान मानकर स्वीकार करे, क्योंकि काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती, आना जाना तो लगा हुआ है। इस सत्य को पहचानते हुए हम इसे मोह भाव का निमित्त न बनाकर ज्ञान भाव से देखने की कोशिश करें। रोज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम, जो शेष रह गए वे कल प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।